नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को नो इन शॉर्ट के एक नया एपिसोड में। दोस्तों, हम जब भी कोई हाई एंड का ऑडियो या फिर वीडियो सुनते हैं तो उसमें बिटरेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक अच्छा बिटरेट के बिना एक हाई एंड का वीडियो मिलना या फिर ऑडियो मिलना पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या वीडियोज का क्वालिटी केवल बिटरेट्स के ऊपर डिपेंड करता है? क्या आप अपने प्रोजेक्ट्स में ऑप्टिमम बिटरेट्स का यूज कर रहे हो? कॉन्स्टेंट बिटरेट एंड वेरिएबल बिटरेट के बीच में क्या डिफरेंस है, या फिर कौन सा आपको अपने प्रोजेक्ट्स में एडॉप्ट करना चाहिए जिससे कि आपको एक हाई एंड का वीडियो या फिर ऑडियो आउटपुट मिले? तो इन्हीं सभी चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक, एंड मैं श्योर हूं कि इस वीडियो के एंड पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी जो कि आप अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में डेफिनेटली यूज कर सकते हो। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बिटरेट्स क्या है। बिट मतलब कंप्यूटर डेटा। जो कंप्यूटर डेटा होता है वो बिट्स के रूप में स्टोर होता है। एंड रेट मतलब पर सेकेंड, मतलब कि पर सेकेंड में कितना डेटा प्रोसेस हो रहा है उसी को बिटरेट्स बोला जाता है। एक वीडियो या फिर ऑडियो के बारे में बात करें तो पर सेकेंड में कितना डेटा प्रोसेस हो रहा है उसको बोला जाएगा बिटरेट। और वही अगर एक टेलीकम्युनिकेशन या फिर आप इंटरनेट के बारे में बात करते हैं तो कितना डेटा पर सेकेंड में ट्रांसफर हो रहा है उसको बिटरेट्स बोला जाएगा। अभी बात करते हैं कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन के बारे में जिसको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसको आप अपने नेक्स्ट प्रोसेस में डेफिनेटली यूज कर सकते हो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक हाई एंड का वीडियो आउटपुट मिलने के लिए या फिर ऑडियो आउटपुट मिलने के लिए बिटरेट हाई होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो फाइल में या फिर ऑडियो फाइल में बहुत सारे डेटा होते हैं, जैसे कि ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, उसमें आप लोग फिर एनिमेशन ऐड करते हैं, डॉक्स वगैरह ऐड करते हैं, ये सारे डेटा हो गया जो कि बिट के रूप में रहता है। इसीलिए अगर हाई बिटरेट होगा तो डेफिनेटली जो डाटा प्रोसेस होगा वो ज़्यादा फास्ट होगा एंड आपको ज़्यादा अच्छा आउटपुट मिलेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जैसे जैसे बिटरेट बढ़ता चला जाएगा जो फाइल साइज होगा वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो इसीलिए आपके यूजर्स के ऊपर या फिर आपके नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का आउटपुट चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं खाली क्वालिटी अच्छा हो तो आप उस केस में हाई बिटरेट रख सकते हो, लेकिन अगर आप साइज का या फिर आपको स्टोरेज का भी इशू है तो उस केस में आपको थोड़ा सा कम या फिर मीडियम रेंज का बिटरेट रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि एक लो क्वालिटी वीडियो या फिर ऑडियो को आप सिंपली बिट्स को बढ़ा के उसको हाई क्वालिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपका रिकॉर्डिंग 720 पिक्सल्स का है तो उसको सिंपली आप ज़्यादा बिटरेट ऐड करके 1080 पिक्सल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। इससे एक ही चीज़ होगा कि जो आपका आउटपुट होगा उस फाइल का साइज बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान में रखें कि अगर आपने रिकॉर्डिंग अगर 720 पिक्सल्स में किया है, अगर लो बिटरेट्स में आपने किया है, तो उसी के इर्द गिर्द जो है आपका आउटपुट जो वीडियो होगा या फिर आउटपुट फाइल होगा उसका बिटरेट होना चाहिए। अगर कम रखेंगे तो वीडियो का या फिर ऑडियो का क्वालिटी नीचे चला जाएगा, और अगर हाई रखेंगे तो सिंपली जो है फाइल साइज बढ़ जाएगा, ना कि आपका वीडियो का क्वालिटी। फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि यूट्यूबर्स के लिए या फिर वीडियो प्रोड्यूसर्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा वो है कि लेट्स से आपने एक वीडियो बनाया है वो है 4K में, ओके। अगर एंड आपके जो व्यूअर्स हैं वो जनरली आपके वीडियोस देखते हैं मोबाइल फोन में या फिर छोटे डिवाइस में, जिसमें कि जो डेटा कनेक्शन होता है, जो फिर डेटा ट्रांसफर जो होता है वो बहुत ही कम स्पीड में होता है। अगर आप 4K वीडियो अपलोड करोगे, लेट्स से उसका जो बिटरेट है वो 40 Mbps का है, एंड जो डेटा ट्रांसफर जो आपके व्यूअर्स यूज़ कर रहे हैं वो है सपोज 20 Mbps का, उस केस में जब भी वो वीडियो प्ले करेंगे तो वीडियो बफरिंग में चला जाएगा, क्योंकि जो पर सेकेंड का बिटरेट आपके वीडियो का है उससे डेटा ट्रांसफर कम रेट में हो रहा है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अभी जितने भी ऑनलाइन वीडियो प्रोसेसिंग साइट्स है, जैसे कि YouTube हो गया, Vimeo हो गया, बोलो क्या करते हैं, जब भी एक हाई एंड का वीडियो आप अपलोड करोगे उसको कोडेक यूज करके थोड़ा सा लो क्वालिटी में या फिर लो साइज में बोलो कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि जो व्यूअर्स हैं वो सीमलेसली उस वीडियो को देख पाए। फिफ्थ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हमेशा जो न्यूअर कोडेक्स है उसको यूज करना चाहिए। जो न्यूअर कोडेक्स होते हैं वो सेम साइज में आपको ज्यादा अच्छा आउटपुट देती है। फॉर एग्जाम्पल, जनरली जो वीडियो प्रोसेसिंग के लिए जो कोडेक यूज होता है वो है H.264, उसी का एक नया वर्जन है H.265। तो अगर आप अपने वीडियोस को H.265 में आप प्रोसेस करोगे तो ऑब्वियसली सेम साइज में आपका जो वीडियो का क्वालिटी होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी बात करते हैं कि कॉन्स्टेंट बिटरेट एंड वेरिएबल बिटरेट क्या है, एंड दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। नाम से ही पता लग रहा है कि कॉन्स्टेंट बिटरेट जो है उसमें बिटरेट कॉन्स्टेंट रहेगा, मतलब जो एंटायर फाइल होगा या फिर एंटायर प्रोजेक्ट होगा उसमें बिटरेट सेम रहेगा। लेकिन वेरिएबल बिटरेट जो होगा उसमें जो बिटरेट होगा वो फ्लक्चुएट करेगा, वो वेरी करेगा। अभी इन दोनों में से आपको कौन सा अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहिए? डेफिनेटली आपको वेरिएबल बिटरेट यूज़ करना चाहिए। इसका मेन रीज़न नहीं है कि लेट्स से आपने एक वीडियो प्रोजेक्ट बनाया है, उसमें बहुत सारे ऐसा जगह होगा जहाँ पे आपने डॉक का यूज़ किया है, कोई इमेजेस का यूज़ किया है एंड एनिमेशंस का यूज़ किया है, एंड बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसमें आपने केवल एक इमेज का यूज़ किया है। तो इससे क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट होगा उसमें किसी किसी पॉइंट में आपका ग्राफिक्स ज़्यादा इंटेंसिव हो जाता है एंड किसी किसी पॉइंट में कम होता है। अगर आप कॉन्स्टेंट बिटरेट का यूज़ करोगे तो
एंटायर प्रोजेक्ट में सेम बिटरेट रहेगा, जिसके कारण जहाँ पे आपका सपोज एक इमेज ही है खाली जिसमें कम बिटरेट की जरूरत पड़ता है उसमें भी आपका हाई बिटरेट हो सकता है, एंड जहाँ पे ग्राफिक इंटेंसिव चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, मतलब एनिमेशन है, टेक्स है और ऑडियो है, फिर वीडियो है, उस पॉइंट में कॉन्स्टेंट बिटरेट में क्या होगा, सेम बिटरेट होने के कारण उसमें अच्छा क्वालिटी नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप वेरिएबल बिटरेट का यूज़ करते हो तो वो क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली जहाँ पे बिटरेट का कम जरूरत होता है तो वहाँ पे कम एलोकेट करेगा, एंड जहाँ पे बिटरेट का ज़्यादा जरूरत होता है उसमें हाई बिटरेट का एलोकेट करेगा, जिससे कि जो आपको आउटपुट मिलेगा वो काफ़ी हाई एंड का मिलेगा। तो इसीलिए आप अपने वीडियो प्रोजेक्ट्स में हमेशा वेरिएबल बिटरेट का यूज़ करें। तो आशा करता हूँ कि बिटरेट के ऊपर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और वीडियो से आप कुछ सीख पाए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन के ऊपर दिए जाने वाले चैनल आइकन को क्लिक करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ मेरे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।